वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, दिस इज प्रतीशा। तो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर विच इज पॉवर्टी। अंडर द पॉवर्टी चैप्टर वी आर डिस्कसिंग विद द सम ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। वी ऑलरेडी डिस्कस द टू प्रोग्राम्स अंडर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। नाउ कंटिन्यू विद दिस टॉपिक्स, वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द रिमेनिंग प्रोग्राम्स अंडर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। लेट्स सी द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एम्स एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द वेज एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। इसका एम ये था कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करे एज वेल एज द वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को रूरल एरिया में उसको क्या करे, प्रोवाइड करे। इसका मेन एम और इसका मेन इंटेंशन यही था कि उन अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना। ओके, इसका मेन एम ये था कि पीपल को इनकरेज करें, इनकलकेट करें, ओके, टू हैव सम ऑफ देयर ओन वर्क, कि वो खुद के काम में ही क्या करें, अपने आप को एम्प्लॉयड रखें, सेल्फ एम्प्लॉयड रखें, राइट। अपना खुद का कोई कारखाना स्टार्ट करें, अपना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए, राइट। अपने आप का कोई सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर में क्या हूँ, अपने आप में क्या हूँ, वो अपने आप में एम्प्लॉयड हूँ, राइट। वो अपना कुछ काम कर पाए, राइट। और वी कैन से दैट द वेज एम्प्लॉयमेंट का भी उनने क्या किया था, उसका भी एक प्रोविज़न निकाला था कि वो वेज एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करेंगे। ओके, वो वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए भी क्या लाएंगे, कुछ कुछ प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। ओके, अंडर वर्ड स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राइट। इनकरेज द पुअर पीपल टू सेट अप द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स। वो खुद का अपना वेंचर्स क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मतलब था कि जितने भी ग्राम और वीकेंड से जितने भी रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयड लोग रहते हैं उनको क्या करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। ओके, हाउ दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू दैट अनएम्प्लॉयड पीपल। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर द एम एट प्रमोटिंग द माइक्रो एंटरप्राइज। इसका मेन और एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जो छोटे बिजनेस फॉर्म रहते हैं, उनको क्या करें, प्रमोट करें। अगर छोटे और माइक्रो इंटरप्राइज को वो प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, जो पुअर है ना, जो पुअर असिस्टेड फैमिली होगी वो क्या होगी, मतलब जो पुअर फैमिली है ना, उनको क्या किया जाएगा, उस पुअर फैमिली को, उस पुअर जो पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है उसको क्या किया जाएगा, अपलिफ्ट किया जाएगा। ओके, द पॉवर्टी लेबल में जो लोग रहते हैं, जो पुअर फैमिली द पॉवर्टी लेबल की जो लाइन में रहते हैं, उनको क्या किया जाएगा, उससे अपलिफ्ट किया जाएगा अगर वो माइक्रो इंटरप्राइज में क्या होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे, मतलब उस स्कीम्स के अंदर वो काम करेंगे, राइट। अगर हम अगर बात करेंगे अगर रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया में डिफरेंट माइक्रो इंटरप्राइज को सेटअप करेंगे तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशंस होगी वो ख़त्म होगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ख़त्म होगी, ऑटोमेटिकली हम लो पॉवर्टी लाइन में जो लोग रह रहे हैं, हम उनको अबव द पॉवर्टी लाइन ला सकते हैं, राइट। ऑर्गेनाइजिंग दैम इन टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। बिकॉज अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जिसको भी ये क्या क्या चाहिए, अगर इसका बेनिफिट चाहिए इस स्कीम का, तो वो पीपल को क्या करे, इनकरेज करे। ओके, दे आर गोइंग टू बी इनकरेजिंग पीपल, ओके, टू हैव सम सेविंग। उनको इनकरेज करें कि वो अपनी को सेविंग करें, सो दैट दे आर गोइंग टू बी लैंडिंग सम अमाउंट टू द पर्सन दोज हु नीड दैट मनी। ओके, जिस पर्सन को उस चीज़ की एक्चुअली उस अमाउंट की पर्टिकुलर चीज़ के लिए ज़रूरत है, तो वो उससे क्या कर सकता है, एज अ फाइनेंशियल हेल्प ले सकता है, एज अ स्मॉल लोन्स के थ्रू। ओके, मतलब हम पीपल को इनकरेज करेंगे कि आप भी अपना मनी सेव करिए, हम भी करेंगे। जब हमें किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस मनी का यूज़ करना होगा, तो वी आर यूजिंग दैट अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लोन्स, राइट। सो इट हेल्प
ओके, इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द पीपल इन टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप. ओके, होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, विच इज वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो मजदूरों के लिए, मतलब जो रोज काम करते हैं मजदूर, उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम गवर्नमेंट लेकर आई है, राइट. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लेबर पे फोकस करती है. ओके, उनको एडिशनल और वी कैन से उनको सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना. ओके, इन संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंदर गवर्नमेंट का मेन फोकस ये है कि वो सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए जो उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं. ओके, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे ज़्यादा फोकस करें. इसका मतलब ये है कि जिसमें नंबर ऑफ लेबर काम करेंगे, अगर नंबर ऑफ लेबर उसमें काम करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको कोई रोजगार मिलेगा, राइट. अगर रोजगार मिलेगा तो उसके लिए उसको अपन को क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी. ओके, गवर्नमेंट उसके लिए क्या करेगी, पेमेंट करेगी, राइट. अगर गवर्नमेंट उसके लिए पेमेंट करेगी तो पेमेंट इतनी सफिशियंट हो कि वो अपना जो न्यूट्रिशन लेबल जो लेते हैं, अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वो अपनी क्या कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे जो वेज उसमें काम कर रहे हैं. ओके, द वेजेस. ओके, द एम्प्लॉय दोज हु आर बीइंग एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर्स. ओके, जो उसके लिए एम्प्लॉयड किए गए हैं उसके लिए इतनी सफिशियंट पेमेंट होनी चाहिए कि वो अपनी नेसेसिटीज को क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए. ओके, द थिंग इज दैट इसके अंदर पेमेंट कॉम्बिनेशन में पेमेंट होती है. इसके अंदर कैसे कॉम्बिनेशन में पेमेंट होती है, पैसे के साथ साथ उसको फूड ग्रेन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसको प्रोवाइड की जाती है, राइट. वेजेस वर पेड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड फूड ग्रेन. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, विच इज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम मीन्स वी आर डीलिंग विद द फूड, मीन्स हम पूरे नेशन वाइड सभी को फूड प्रोवाइड करवा पाए. ये गवर्नमेंट की क्या है, एक स्कीम है, राइट. दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2004. ओके, दिस नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड इन 2004. इसको लागू 2004 में किया गया है इन 150. ओके, इसका मेन एम ये था कि ये 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, हमारी कंट्री के जितने भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोग्राम को और इस स्कीम को गवर्नमेंट ने क्या किया, इंप्लीमेंट किया, इसको लागू किया. क्यों किया, क्योंकि जहाँ जो बैकवर्ड पीपल रहते हैं, पुअर पीपल रहते हैं उन बैकवर्ड एरियाज में, उनको क्या किया जा सकता है, अपलिफ्ट किया जा सकता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बदला जा सकता है. ओके, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एनहांस और इंप्रूव किया जा सकता है, राइट. दिस ओके नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, इसको इंटीग्रेट किया गया विद द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंडर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है. ओके, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को इनकॉर्पोरेट किया गया है मनरेगा से. मनरेगा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2005. इसको 2005 में लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया. मनरेगा का मेन एम ये था कि वो रूरल्स एरिया में, ओके, रूरल्स एरिया में एटलीस्ट 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा रूरल एरिया में, राइट. मनरेगा का मेन एम ये था. अगर वो फेल होता है, अगर गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट फॉर द 100 डेज, तो गवर्नमेंट आर गोइंग टू पे ऑफ देम. ओके, गवर्नमेंट उसका अमाउंट क्या करेगी, पे करेगी. अगर गवर्नमेंट कभी भी ऐसी चांसेस हो जाती हैं कि गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड नहीं करा पाती उनको एम्प्लॉयमेंट, तो गवर्नमेंट ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो उसको पे करेगी, राइट. एंड द कमिंग टू द नेक्स्ट, विच इज नेशनल सोशल असिस्मेंट प्रोग्राम. नेशनल सोशल असिस्मेंट प्रोग्राम के अंदर ये था कि गवर्नमेंट का मेन फोकस उन पुअर फैमिलीज के ऊपर था, और वी कैन से मतलब उन पुअर पीपल के साथ का मतलब ये था कि जो ओल्ड पीपल रहते हैं, जिनका कोई भी नहीं रहता, मतलब जिनका कोई सहारा नहीं रहता, राइट, जिनका कोई फ्यूचर में सहारा नहीं है, और मतलब जो विडोज रहती हैं, राइट,
तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक सपोर्ट जैसे एक्ट किया टू प्रोवाइड देम व्हाट टू प्रोवाइड देम पेंशन, ओके पेंशन, तो जिससे वो अपने आप को सस्टेन रख पाए, ओके ये उनके लिए एज अ हेल्प मिल सकती है कि वो अपना गुजारा ठीक से कर पाते हैं, राइट। गवर्नमेंट की ये स्कीम थी टू हेल्प आउट देम और फॉर टू उनका कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता, तो गवर्नमेंट ने उनको एज अ हेल्प दी है टू प्रोवाइड देम अ पेंशन, ओके। सो ऑल सच स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द क्रिटिकल एवेल्यूशन ऑफ अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ओके। हम क्रिटिकल मीन्स इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं कि जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने सेटअप किए थे उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं कि वो अच्छी तरीके से प्रोग्रेसिव वे में दिखाई नहीं दे पा रहे हैं, राइट। लेट्स सी लैक ऑफ रिसोर्सेज। यस, लैक ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि हमारी कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, हमारी कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारे बॉन्ड्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, ओके। हमारे बॉन्ड्स अनलिमिटेड हैं इन रिलेशन टू वॉट, रिसोर्सेज के रिलेशन में हमारे बॉन्ड्स अनलिमिटेड हैं और रिसोर्स क्या हैं, लिमिटेड हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो पॉवर्टी लेवल भी ज़्यादा रहेगी, राइट। पॉवर्टी लेवल भी ज़्यादा रहेगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए थे तो उस पॉवर्टी को देखते हुए जो रिसोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं उस प्रोग्राम को मीट करने के लिए वो क्या हैं, कम है। दीज आर इनसफिशियंट टू मीट द पर्टिकुलर प्रोग्राम, राइट। होप द कॉन्सेप्ट ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। यस, द कॉन्सेप्ट हमने ये समझा है और सुना है और पढ़ा है कि हमारी कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ओके। किसी के पास ज़्यादा इनकम है तो किसी के पास कम इनकम है, इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन रिच है और कौन पुअर है, राइट, कि कौन कितना गरीब है और कौन कितना अमीर है, ओके। दिस इज व्हाट, दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट। Because of unequal distribution of land, because of unequal distribution of asset, क्योंकि जितने गरीब लोग हैं उनके पास, जितने बड़े लोग हैं उनके जितना उनके पास लैंड नहीं है, ओके। इवन दे आर नॉट हैविंग द वन एकर ऑफ लैंड, ओके, टू सस्टेन, ओके, themselves. सो द थिंग इज दैट अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और एसेट है तो क्या होता है कि मतलब जो गवर्नमेंट ने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पुअर लोगों के लिए इम्प्लीमेंट किए गए हैं तो बिकॉज ऑफ द पावर विद द रिच पीपल, जो रिच पीपल के पास पावर रहती हैं तो मतलब जो लोग गरीब नहीं हैं उस वो भी उसका बेनिफिट ले लेते हैं, राइट। बिकॉज उनका जो पावर कंट्रोल रहता है ना उसके थ्रू वो क्या करते हैं, जो गरीब नहीं है मतलब जो पीपल पुअर नहीं है फिर भी वो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट की जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उसका वो क्या करते हैं, बेनिफिट ले लेते हैं, राइट। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि द मेन फोकस हमेशा किसी भी प्रोग्राम या पॉलिसी पे डिपेंड करता है हमेशा गवर्नमेंट ही करती है, राइट। गवर्नमेंट ने ही उस प्लानिंग की होगी, ओके, प्लानिंग के बाद गवर्नमेंट ही उसको क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। बट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन हाउ ऑल सच फाइनेंशियल एसेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू अरेंज, ओके। गवर्नमेंट ने ऑल सच फाइनेंशियल एसेट्स को क्या किया, अरेंज किया, और फिर ये भी देखना रहता है कि क्या उनकी हेल्प बैंक कर पाएंगी, क्या बैंक उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट की एज अ हेल्प कर पाएंगी, राइट। द थिंग इज दैट हमारे यहाँ करप्शन लेवल ज़्यादा है, ओके, करप्शन लेवल ज़्यादा है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रहती है पुअर पीपल के पास कि गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम उनके लिए लेकर आए हैं, ओके, और वी कैन सी इसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसको सही तरीके से लागू इसलिए नहीं कर पाते कि पीपल उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते, मतलब जिसके लिए जो पीपल हायर किए जाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते क्योंकि वो जानते हैं कि इससे हमारे लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है। दीज सच प्रोग्राम्स आर बेनिफिटेड टू होम, दीज सच प्रोग्राम्स आर बेनिफिटेड टू दी पुअर पीपल हु आर लिविंग अंडर दी पॉवर्टी लाइन, तो वो उस इंटरेस्ट के साथ काम नहीं कर सकते, यहाँ घोटाला ज़्यादा होता है, करप्शन ज़्यादा है, तो पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क इफेक्टिवली, दैट्स वाई व्हाटएवर द प्लान्स
आर मेड बाय द गवर्नमेंट और वॉट आर द प्रोग्राम्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट आर अनसक्सेसफुल, राइट? सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, विच इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ओके? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बिल्कुल भी गुड इनफ नहीं है, बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सेक्टर्स, तो जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं है, ओके? वहाँ रोड्स नहीं है जहाँ पीपल जाके अपना एजुकेशन ले पाए. मेडिकल फैसिलिटीज सही नहीं है. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, तो लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, ओके? हाउ दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी, राइट? उनको उन चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाएगा, राइट? सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर. सबसे पहले ये बात है कि गवर्नमेंट ने जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हमारे लिए लेकर आई हैं, तो हमको उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ओके? अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, वी आर गोइंग टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दी पर्टिकुलर प्रोग्राम, ओके? जनता खुद ही अवेयर नहीं है कि सरकार हमारे लिए क्या क्या प्रोग्राम लेके आ रही है, हमारे खुद के लिए प्रोग्राम लेके आ रही है, तो हमको उसके लिए अवेयरनेस दिखानी चाहिए, जागरूकता दिखानी चाहिए, हमको उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जितने भी सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट हमारे लिए ही लेकर आ रही है ना, हमारी ये जो कंडीशन है जहां हम आज रह रहे हैं, उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना, एनहांस करना, अपलिफ्ट करना इज द मोटिव ऑफ गवर्नमेंट, ओके? बाय मेकिंग ऑल सच प्रोग्राम्स फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फॉर द पीपल हु आर लिविंग अंडर द लो पॉवर्टी लाइन. Hope this concept is clear and this is the end of the chapter, okay? So please keep watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.